हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सो बच्चों, अगर मेरी आवाज़ आ रही है और इट्स ऑडिबल एंड विजिबल, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की क्लास में, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास मिसलेनियस क्वेश्चंस की, जहाँ पर हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसके आगे के यानी कि क्वेश्चंस का हम करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि एक बार आप चेक कर लो, आपको ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी इशू नहीं होना चाहिए। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस मतलब बोले तो कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करने का एक मौका मिलेगा, प्रैक्टिस करने का, और बेसिक करते हैं ज़्यादा, मतलब ये क्लास में हम लोग ज़्यादा टफ या कोई ऐसे नहीं, मॉडरेट बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पर हम ओवरऑल अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लाइफ टाइम ऑफर की, विच इज़ 2+1, एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ कि अगर आप एक साल का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक साल का कम्प्लीटली फ्री मिल जाता है, और आपको सिर्फ करना क्या है, RAT10 कूपन कोड अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखो जो क्वेश्चंस हम कर चुके ऑलरेडी उनको टारगेट नहीं करेंगे, जो नए क्वेश्चंस हैं उनको टारगेट करेंगे। तो एक बार आप चेक कर लो कि क्वेश्चंस हमने कौन कौन से कर लिए थे। देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो हमने कल कर लिए थे टारगेट, और मैंने आपको कराया था ये पैसेज वाला क्वेश्चन, मैंने आपको करा दिया था। कुछ PQRS के क्वेश्चंस भी आपको कराए थे, अगर आपको ध्यान होगा, है ना। और कुछ मैंने EDMs के क्वेश्चन कराए थे, फिलर्स कराए थे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शायद ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, एक बार चेक करो, ये वाला करा दिया था क्या, जिसमें ये लिखा हुआ है पॉलिटिशियन लॉस हिज फेस, ये वाला कराया था शायद, आई एम नॉट श्योर, एक बार कंफर्म करना बच्चों, कि हिज इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसज ही हैड मेड टू हिज पीपल, है ना, ये वाला क्वेश्चन कन्फर्म करो। डिड वी डू दिस क्वेश्चन? अगर नहीं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक बार बताओ मुझे कंफर्म करके। अगर नहीं कराया था, अगर कराया था देन इट्स ओके, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एरर ढूंढनी है आपको। ठीक है, सकारिका ने बोला ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, तो इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। शायद इसका आंसर आपका नो एरर होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं थी। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, है ना सगारी का, चेक करना। द केलर होमस्टेड वेयर डैश फैमिली लिव्ड वाज अ फ्यू स्टेप्स फ्रॉम आर लिटिल रोज बावर, ये वाला नहीं हुआ था शायद। गुड मॉर्निंग अमित, ये इजी क्वेश्चन है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं सॉल्व। हाँ, ये वाला नहीं हुआ था, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। द केलर होमस्टेड वेयर डैश फैमिली लिव्ड वाज अ फ्यू स्टेप्स फ्रॉम आवर लिटिल रोज बावर, हाय गायत्री। अमित ने सबसे तेज़ आंसर दे दिया है, सगारिका ने दे दिया है सी आंसर, सब लोग दे रहे हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, ये द और आ जो आर्टिकल है इसका बेसिक डिफरेंस। देखो ए एन इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो तो प्रोनंसिएशन का पार्ट है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अ और द की अगर बात करें डेफिनेट इनडेफिनेट की, तो आप यहाँ पर निश्चित फैमिली की बात करें, द फैमिली लिव्ड, है ना, क्योंकि आगे लिखा है फैमिली लिव्ड वॉज अ फ्यू स्टेप, आप उस स्पेसिफिक फैमिली की बात कर रहे हैं जो वहाँ रहती थी। देखो एक क्वेश्चन है एग्जाम में आया था, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ऐड कर देता हूँ, एक बार आप देख लो इस क्वेश्चन को। सेंटेंस था, कैन यू
सेंटेंस है कैन यू टेल मी डैश रोड विच goes to, can you tell me dash road which goes to parliament? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस में आपके पास है बच्चों ए बी सी या डी, नन। इसमें से एक ऑप्शन चूज करो, मैं चाहता हूँ आपका, आप इसका आंसर मुझे एक बार बताओ कि क्या लॉजिक आप लगाते हो आंसर देने में आर्टिकल के क्वेश्चन में स्पेशली। तो ये क्वेश्चन है कि कैन यू टेल मी डैश रोड विच गोज टू पार्लियामेंट। सो यहाँ देखते हैं कितने बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन स्पेशली, क्योंकि ये सेंटेंस ये क्या कह रहा है, कैन यू टेल मी डैश रोड विच गोज टू पार्लियामेंट। तो देखना है कि ओके, गायत्री से द आर्टिकल होना चाहिए, अमित ने बोला द होना चाहिए। अच्छा, अभी कैसे पता चला द आर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि ये कोई किसी भी रोड को नहीं पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में पता चल जाता है पढ़ते ही कि सर सेंटेंस जो है वो ये नहीं कह रहा कि कोई भी रोड बता दो, वो कह रहा है मुझे वही रोड बता दो जो पार्लियामेंट की तरफ जाती है ना, इसलिए पता चल रहा है सर ये रोड जो है वो डेफिनेट रोड के बारे में जानना चाहता है, किसी भी रोड के बारे में नहीं जानना चाहता। तो आपको कहना चाहिए द रोड, तो सेंटेंस बन जाएगा कैन यू टेल मी द रोड विच गोज टू पार्लियामेंट विच इज द राइट आंसर। करेक्ट, परफेक्ट आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा, ओहो ये तो आ गया आपका बच्चों पैसेज, पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है। व्हाई मोस्ट ऑफ अस एक्सेप्ट द ऑफर्स गुड और बैड गिवन बाय आवर फ्रेंड्स। हम लोग अपने दोस्तों के दिए द्वारा दिए गए ऑफर को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। फ्रेंड्स हैव ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन आवर एक्शंस एंड बिहेवियर। द ग्रेट पोएट तुलसीदास हैज वेरी करेक्टली सेड, टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी यू नीड टू लीव द कंपनी ऑफ बैड एलिमेंट्स। यू मे से दैट वॉट एवर योर फ्रेंड्स आर सेइंग यू हैव केप्ट योर सेल्फ आइसोलेटेड आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई इट। पीपल कोट एग्जाम्पल ऑफ सैंडलवुड विच इज नॉट पॉइजन बाई डेडली स्नेक्स रैप्ड अराउंड इट, बट इट मे बी नॉट ट्रू फॉर मेनी। यू विल बी रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी एंड पीपल विद यू। योर डीड्स विल बी रेटेड बाय what your friends do. Most of us accept the offers of our friends, whether good or bad. We do it mostly not to hurt them or risk our friendship, but true friendship is not the one in which your genuine interest is vitiated. We have to find out who are our real friends. So a very nice question, students, indeed a very nice genuine question, hai na? देखना ये है कि कितने बच्चे इसको आंसर कर पाते हैं, इम्पोर्टेंट ये। सो सभी बच्चे यहाँ पर वन ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो विद द ऑप्शन नंबर वन, क्योंकि नॉट टू हर्ट देम और रिस्क आर फ्रेंडशिप, टू इम्प्रेस आर फ्रेंड्स, टू इम्प्रेस आर नेबर, मेंटेन आर फ्रेंडशिप। इन सब में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर वन होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जो अपने दोस्तों का साथ देते रहते हैं और ख़राब दोस्ती को भी संभालते रहते हैं, उसको जोड़ते रहते हैं दोस्ती को, वो दैट इज़ जस्ट टू नॉट टू हर्ट देम और रिस्क ऑफ फ्रेंडशिप। अब हमें लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, और एक एज होती है आपको पता, जिस समय आप मतलब मैं आपको ये कहूँगा पर्सनली कि जब तक आप ये 25 की एज क्रॉस नहीं कर लेते, तब तक आपको बस यही लगा रहेगा कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। मगर आपको रियलाइज़ होता है जब आप जॉब वॉब करना ढूंढना शुरू कर देते हैं और उस पड़ाव पर आ जाते हैं जहाँ जॉब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तब रियलाइज़ होता है यार दोस्ती के भाड़ में पहले अपनी नौकरी देखो, वरना ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, दोस्ती नौकरी तो लगी गई, अपनी क्या होगी। अब कह रहा है विच इज़ एग्जाम्पल इज़ कोटेड वेन टॉकिंग अबाउट कंपनी, कौन सा एग्जाम्पल कोट किया जाता है जब हम कंपनी मतलब कंपेनियनशिप की बात करते हैं, तो कौन सा एग्जाम्पल कोट किया जाता है? Guess it right. Okay. So I can see everybody wants to go with the option of sandalwood. Come, देखो चंदन की लकड़ी पे सांप जो है वो लपटे रहते हैं। कुछ लोग उदाहरण ये दे देते हैं कि चंदन की लकड़ी पर जब सांप ऐसे लिपटा रहता है तो उससे क्या चंदन पे कोई फ़र्क पड़ जाता है, उसकी सुगंध पे,
या उसके इस्तेमाल पे या उसकी वैल्यू पर कोई कमी आ जाती है तो लोग इसका एग्जाम्पल उदाहरण दे देते हैं। जबकि सच्चाई ये होनी चाहिए कि भाई चंदन की लकड़ी एक अपवाद है, और अपवाद का उदाहरण अगर हम जनरल चीज़ों में देने लग जाएंगे तो लोग कैसे काम करेंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि पोएट तुलसीदास ने कहा है कि अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी संगति सुधारनी पड़ेगी। सबसे पहले संगति को सुधारें यदि अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करनी है, ये तुलसीदास जी ने अपनी कविता में कहा। और साथ में ये भी कहा कि जो लोग ये बोलते हैं कि जो तुलसी जो चंदन का पेड़ होता है उस पर सांप लपेटा रहता है, पर उसको अपवाद भी कहा साथ में। आप अपवाद को जनरल उदाहरण में नहीं जोड़ सकते, ये पहला एग्जाम्पल था। फिर कह रहा है पैसेज से हमें पता क्या चलता है, ट्रू फ्रेंडशिप इज़ गॉड्स गिफ्ट, फ्रेंडशिप इज वन वेयर योर इंटरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड, इज नॉट बेस्ड ऑन यूटिलिटी और प्रेजर, और ये रेयर है। ये क्या है, इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सूटेबल होगा? सोच समझ के इसका आंसर करो। ओके, अमित कुमार ने सबसे तेज आंसर दिया है थर्ड ऑप्शन। ओके, और कोई जो इसका आंसर देना चाहता हो, Anybody else who wants to try? इजी क्वेश्चन है ये, तो कर सकते हो ऐसे, है ना बच्चों? ओके, अमित ने भी 3 लगा दिया है। सोच समझ के लगाओ, बस आपका आंसर सही आएगा, इसमें कोई गारंटी, कोई डाउट नहीं रखो कि आंसर गलत आएगा, कुछ ऐसा आंसर सही आ जाएगा। ओके, मनदीप ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो विथ 3, गायत्री वॉन्ट्स टू गो विथ 3, पीपल वॉन्ट टू गो विथ 3 ना, थर्ड ऑप्शन लगता है ज़्यादा सूटेबल सा है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। ओके, नॉट एन इशू। हाँ, पैसेज से देखो क्या पता चल रहा है। कह रहा है कि लास्ट में इन्होंने कहा है कंपनी एंड पीपल यू विद यू एंड योर डीड्स विल बी रेटेड बाय योर फ्रेंड्स डू, व्हाट देयर फ्रेंड्स डू, है ना, जो वो करते हैं। मोस्ट ऑफ अस एक्सेप्ट द ऑफर्स ऑफ आर फ्रेंड्स, हम बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने दोस्तों का ऑफर, वेदर गुड और बैड, चाहे अच्छा हो बुरा, बस एक्सेप्ट कर लेते। वी डोंट मोस्टली नॉट टू हर्ट देम और रिस्क आर फ्रेंडशिप, बट ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट द वन इन विच योर जेन्युइन इंटरेस्ट इज अप्रिशिएटेड, वी हैव टू फाइंड हु आर आवर रियल फ्रेंड्स। तो हमें क्या पता चल रहा है, फ्रेंडशिप इज वन वेयर योर इंटरेस्ट इज इन डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर लिखा है जेन्युइन इंटरेस्ट इज अप्रिशिएटेड, है ना, फ्रेंडशिप इज नॉट इन विच योर जेन्युइन इंटरेस्ट इज अप्रिशिएटेड, और फ्रेंडशिप इज नॉट बेस्ड ऑन यूटिलिटी और प्रेशर। बच्चे बोल रहे हैं बेबी 3 हो सकता है, ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर, और या तो लास्ट में आपको लग रहा है इन्होंने पैसेज में ये भी कहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट हु आर रियल फ्रेंड्स आर, ये भी लग रहा है आपको। तो आपको क्या कंफ्यूजन हो रही है, देखो ये गॉड्स गिफ्ट है तो ऐसा यहां पर कुछ कहा नहीं है पैसेज में, हम अपनी तरफ से इन्फर नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन देखो, सबसे पहले अगर सर यहां पर ये बात बोल रहे हैं कि ये जो है गॉड्स गिफ्ट है तो ये बात कहीं लिखी नहीं है, इसलिए इसको हम अभी ट्रू नहीं मान सकते। सबसे पहला पॉइंट कि हम इसको ट्रू इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि कहीं लिखा नहीं, मान लिया। दूसरा है कि फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपका इंटरेस्ट विशिएट ना हो जाए, बट ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट द वन इन विच योर जेन्युइन इंटरेस्ट इज विशिएटेड, जो आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है वो विशिएट हो जाए, ये कह रहे हैं। फ्रेंडशिप जो ट्रू है वो ये नहीं है कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट विशिएट हो रहा है, और ये कह रहे हैं ट्रू फ्रेंडशिप इज वन वेयर योर इंटरेस्ट इज इन डिस्ट्रॉयड। तो एक बार लगभग लगभग बात सही है कि सेकंड जो लिखा है वो रिलेटेबल है। देखो आप लोग को समझ आ रहा है ये कि सर जो यहाँ पर लाइन लिखी है कि बट ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट द वन इन विच योर जेन्युइन इंटरेस्ट इज अप्रिशिएटेड, ट्रू फ्रेंडशिप वो नहीं है जहाँ पर आपका सच्चा जो इंटरेस्ट है, जो आपका मन, आपका जो इच्छा है, इंटरेस्ट है, वो जो है अप्रिशिएट हो रहा है, वो नहीं है। और थर्ड सेकेंड ऑप्शन में लिखा क्या है कि द फ्रेंडशिप इज वन वेयर योर इंटरेस्ट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, फ्रेंडशिप वो होनी चाहिए जहां पर इंटरेस्ट नॉट, तो थोड़ा सा रिलेटेबल है, बट ये नहीं कहेंगे कि यही लाइन लिखी है, लाइन अलग है ना। अच्छा, सगारिका का कहना है कि सर लास्ट ऑप्शन ज्यादा रिलेटेबल है ऐसा लगता है। अच्छा, थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रू फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज नॉट बेस्ड ऑन यूटिलिटी और प्रेजर, क्या ये यूटिलिटी और प्लेजर की बात इन्होंने कहीं डिस्क्राइब करी है कैसे? कह रहा है यू मे से वॉट एवर योर फ्रेंड्स आर सेइंग यू हैव केप्ट आइसोलेटेड, वो सब बातें कह रहा है,
और साथ में कह रहा है योर डीड्स विल बी रेटेड बाय योर फ्रेंड्स डू, मोस्ट ऑफ एक्सेप्ट्स आवर फ्रेंड्स ऑफर, अच्छा बुरा जैसा भी है। तो ये जो लाइन है ऑप्शन नंबर 3 है ना बच्चों, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि हम लोग आंसर निकालते कैसे। जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ऑप्शन इन्फर करोगे, तो हमको कभी भी पैसेज में से इन्फर नहीं करना अपनी तरफ से। थर्ड भी वही इन्फर वाला पॉइंट है। क्या वाला पॉइंट है? इन्फर। इन्फर मतलब आप अपनी तरफ से कुछ ड्रॉ कर रहे हो, हमें ड्रॉ हम सीख जाए विच इज़ गुड, आंसर देते टाइम हम वो ना करें कि हमें ऐसा लगा। अच्छा, ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर, ये बात लिखी है क्या? मेरे क्वेश्चन का जवाब बताएंगे बच्चे, क्या ये लाइन कहीं लिखा है? तो आप बोलोगे सर ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर, ये तो मान सकते हैं कि मुश्किल से मिलता है। तो ऐसा तो नहीं कि सर यहाँ लिखा है वी हैव टू फाइंड हमारे दोस्त कौन से हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंडशिप रेयर है। आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें अपने अच्छे दोस्त ढूंढने चाहिए, रियल फ्रेंड्स ढूंढने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि रेयर है, ये इन्फर वाली बात हो गई है ना। तो इसलिए कहेंगे सिर्फ एक ही ऐसी बात है सर जो लिखी है और उल्टी करके लिखी है, बट वो लिखी है रिलेटेबल है। मैं आपसे क्या कह रहा था, तो जो बात रिलेटेबल है उसी बात को आप क्या लगाओगे, अपना आंसर लगाओगे। अब समझ आया पैसेज में आंसर कैसे करना? एग्जैक्टली दैट आई वॉज टेलिंग यू कि आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जो इन्फर ना कर रहा हो पैसेज में से, पैसेज में से आप इन्फर ना कर रहे हो, रिलेटेबल होना चाहिए, आपको लग रहा हो कि ये है बट वो लिखा नहीं है तो भी वो आंसर नहीं है। आंसर शुड बी समथिंग विच इज रिलेटेबल। ओके, गॉट माई पॉइंट? चलो अब ये कह रहे हैं हु हैव ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर, सबसे ज्यादा किसका प्रभाव होता है हमारे नेचर पर, हमारे दोस्त का, फैमिली रिलेटिव्स का या सिबलिंग्स का, सबसे ज्यादा किसका हम पर प्रभाव पड़ता है? एक एज होती है जब सबसे ज्यादा किसी एक होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। तो सगारिका ने बी ऑप्शन चूज किया है, अमित ने, गायत्री ने, विश्व कल्याण दास ने, मनदीप कौर ने, यहाँ पर सारे बच्चों ने ऑप्शन चूज किया है फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पूरा पैसेज किस पर बेस्ड है? फ्रेंड्स के ऊपर ही बेस्ड है और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही हमें पैसेज में चलाना है अपना आंसर। ठीक है, बिल्कुल पक्की बात हो गई। अब आगे कह रहे हैं, ओहो ये तो पैसेज ही चेंज हो गया बच्चों, पैसेज चेंज हो गया। पढ़ो यहाँ से, शुरू से पढ़ो एक बार। अब पहले मैंने पढ़ दिया, अब आप पढ़ के बताओ। हाँ अब आप पढ़ के बताओ थोड़ा सा, तो मतलब रिलेट होगा कि किस चीज की बात चल रही है। मैं चाहता हूँ आप अपनी तरफ से थोड़ा सा बताओ इसमें किस चीज की बात चल रही है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैं चाहता ये हूँ कि आप अपनी तरफ से पढ़ के थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे आंसर करते होते हैं। चलो ऑप्शन बी यहाँ पर दे दिया आशुतोष ने। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ आपको। वंस ही हैड बीन एन एथलीट, डाइविंग, फ्लाइंग, सेलिंग, हॉर्स राइडिंग, ऑल ऑफ अ सडन ही वॉज पैरालाइज, अचानक से वो पैरालाइज हो जाता है, बिकेम डिपेंडेंट ऑन लाइफ सपोर्ट मशीन्स, ही बिगैन टू एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ ह्यूमिलिएशन, टेरर एंड सुसाइड। ये ऐसी भाषा है जो आपको एक एक लाइन में समझ में आ रही? अच्छा बच्चों, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग टूडे, द पैसेजेस विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ ओवर हेयर एट प्रेजेंट, आई वॉन्ट टू आस्क यू वेदर दीज लाइन्स आर सम लाइन्स विच आर इमीडिएटली गेटिंग इन टू योर माइंड, और आर दीज लाइन्स टेकिंग सम टाइम,
or you are trying to repeat these lines to understand, not in a single go, in one go, you are getting them. This is a very important point. You have to just answer yourself, not to me, whether I am able to understand or not. So that is the most important question which you have to answer to yourself this time. Ki, if I am reading this much, it's okay, sir. This much is like, ki, haan, ye hum exam mein, chutkiyon mein kar sakte hain. So he overcame all that and emerged a superhuman being. Christopher Reeve, the Superman of real life, became the Superman in real life. He's a hero by any definition. He was immobilized after an accident in May 1995. He broke the first and second cervical vertebrae in the back. He underwent a number of surgeries and therapies. For a long time, he had to depend on the respirators. He requires the help of nurses to provide him 24-hour care. Today, he cannot walk, cannot even move his arms. Yet, he has not given up. The hero of Superman is now actively involved in raising public awareness about spinal cord injury, how to cope with it. He is on the board of directors of American Paralysis Association. He has written his autobiography, Still Me. Yes, he is truly himself. So why did he feel that he is being humiliated? Why? The question comes over here is like, why the man, the person is feeling humiliated? तो सारे बच्चे सेकेंड ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, क्या कहते हो आप लोग? सेकेंड ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो सब लोग? चलो अब मैं आपको बता दूं कि इसका सेकेंड ऑप्शन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि लिखा है ही इज नॉट ऑफ एबल टू डू एनीथिंग ऑफ एनी गेम्स ही वॉज प्लेइंग. तो ये सबसे बड़ा रीजन है उसके हैंडीकैप होने का. आप ये नहीं कह सकते कि ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उसके हैंडीकैप होने पर, वो मूविंग मूव एक्टिंग नहीं कर पा रहा है मूवी प्लेज में. इन ये मूविंग नहीं, मूवी है, ये भी सही नहीं है. डेफ इन द गेम, ये सब भी कुछ नहीं. इसका आंसर सेकंड राइट होगा. अगर सेकंड आपने आंसर लगाया तो दिस इज द परफेक्ट आंसर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनएबल टू मूव? मोबिलाइज, ह्यूमिलिएटेड, इमोबिलाइज या अवेयरनेस? अ सिंपल वन. ओके, सो बिल्कुल सही जवाब है. सगारिका, विश्व कल्याण दास, मनदीप, अमित, एवरीबडी, परफेक्ट आंसर. इमोबिलाइज्ड इज द करेक्ट वर्ड फॉर अनएबल टू मूव इन द पैसेज. सो राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन. नाउ वील टॉक अबाउट व्हाई डज स्टिल मी सिंबलाइज, व्हाट डज स्टिल मी सिंबलाइज? जो वर्ड आया था ना स्टिल मी, उसका क्या मतलब है? लाइकिंग फॉर एडवेंचर, सेंस ऑफ अचीवमेंट, इमोबिलाइज स्टेट या हिज अचीवमेंट्स? What do you find the word still me as in the passage? So Gayatri wants to go with third. Gayatri, was that the earlier question you answered or this one, the still me symbolized? Okay, or not an issue, no, I got it wrong. Amit wants to go with 4, Amit Kumar, Amit Alam 4, Biswa Kumar Das 4, Mandeep 4, Gayatri 4, Ashutosh 4. अच्छा बच्चों, ये जो still me word है ना, still me, ये achievements की अगर बात कर रहा होता तो यहाँ पर दो option दिए, एक sense of achievement, तो इसका मतलब ये दोनों बातें नहीं है. एक हमें एक बहुत आसान सा एक और point मिल रहा है बच्चों, कि आप prove कर सकते हैं कि सर ये इसका answer नहीं है. उसका reason बताऊँ? उसका reason है कि सर यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिसमें अचीवमेंट और सेंस ऑफ अचीवमेंट की बात चल रही है, तो वो दोनों नहीं. जबकि जो ये क्रिस्टोफर रीव है बंदा, इसने कहा है कि मैं इमोबिलाइज स्टेट में हूँ, मैं चल नहीं सकता, फिर भी मैंने हार नहीं मानी. ही हैज़ नॉट गिवन अप. इमोबिलाइज स्टेट की बात हो रही है और फोर्थ इसका राइट आंसर होना चाहिए. ठीक है, बहुत अच्छी बात है मनदीप,
कि इसमें आपने चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और लास्ट के ऑप्शन पे हम पहुंच गए। अब आते हैं कि सर इसमें कह रहा है कि राइटर कहता है वंस ही हैड बीन एन एथलीट, इसका क्या मतलब है? वंस ही हैड बीन एन एथलीट, इसका मतलब सेंटेंस में क्या वो था लॉजिक? गेस करो। विश्व कल्याण दास ने थर्ड लगाया है, बाकी सारे बच्चे भी थर्ड लगा रहे हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो सर ये बहुत बेसिक सी बात है कि अगर वो कह रहा है कि वो एक बार एथलीट रह चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खेल रहा है या खेल नहीं सकता। ही इज नॉट प्लेइंग एनी, वो अब नहीं खेल रहा है आगे, तो इसका थर्ड से बेटर कुछ लग नहीं रहा है। इंजर्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके अच्छा, ही इज अ हीरो बाय एनी डेफिनेशन, इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि ही इज अ हीरो बाय एनी डेफिनेशन, इसका क्या मतलब है कि वो दोनों लाइफ में हीरो है, रियल में है, रील में नहीं है? मतलब जो क्रिस्टोफर रीव है वो एक्चुअली में पहले सुपरमैन बना था, पिक्चर बनाई थी, आपको पता है कि नहीं पता है? फिर वो इंजर्ड हो गया था, जो बाद वाला सुपरमैन है वो नहीं पहले वाला। तो सबसे तेज आंसर अमित कुमार ने, अच्छा गायत्री ने वन दिया है, अमित आलम ने वन दिया, अमित कुमार ने, मनदीप ने, इन सब बच्चों ने वन आंसर दिया है कि सर ही इज अ हीरो बोथ इन द फिल्म एंड इज रियल लाइफ। एक्चुअली क्रिस्टोफर रीव ऐसा कलाकार था, कलाकार है, जिसने सुपरमैन का किरदार निभाया, परंतु शूटिंग के दौरान क्या हुआ, उसको लग गई चोट, खतरनाक वाली है ना, बहुत ज़्यादा चोट आ गई। चोट आने से क्या हुआ, वो बैडली इंजर्ड हो गया, उसकी जो वर्टिब्रे है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ये देखो सेकेंड सर्विकल वर्टिब्रे, ये पूरी तरह से सर्जरीज और थेरेपीज हुई, बहुत मुश्किल हो गया, उसको रेस्पिरेटर्स पेर पर रखा गया, कितनी बड़ी बात है। तो इसका आंसर वन इसका राइट है, आप लोगों ने आंसर बहुत बढ़िया दिया बच्चों, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब कह रहा है, अब आप, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सताता है कि आपने क्या सीखा। अच्छा ये क्वेश्चन जो होता है बच्चों, आपने क्या सीखा, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। हमने तो बहुत कुछ सीखा, पर आपके ऑप्शन उससे मैच नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपको आंसर इसी में से लगाना पड़ेगा जो इसमें से सीखा आपने। आप ये कह नहीं सकते वहाँ पर कि भाई देखो हमने सीखा जो है वो आपने पूछा नहीं, तो आप कुछ और पूछो। फिलहाल तो यही बताना पड़ेगा। वेरी नाइस, आशुतोष ने सबसे तेज आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर फोर, मनदीप ने भी फोर लगाया, सगारिका ने भी फोर लगाया। हमने सबसे पहले सर इसमें सीखा है कि मरने से नहीं डरना, जो धीरे धीरे चलते हैं, चलते रहते हैं वो जीत जाते हैं, ये सब हमने सीखा है अपनी लाइफ में, मगर यहाँ नहीं सीखा। तो इसका आंसर हम लोग फोर लगाना ही पसंद करेंगे। एक्चुअली आंसर ऐसे ही करना चाहिए, एग्जाम में हमें कभी भी पैसेज को देखे, जैसे कई बार मैंने देखा है, आपको सच बताऊं कि पैसेज देख के बच्चे भावुक हो जाते हैं, वो कहते हैं सर मेरी लाइफ से रिलेटेड कहानी है। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत देर तक रोते हैं उनकी, जब पहले ऑनलाइन नहीं होता था एग्ज़ाम, उनकी कॉपियां भीग जाती थी, इतना रोते थे। फिर पूछा जाता क्या हुआ, वो कहते थे मम्मी की याद आ गई। पर कभी भी इमोशनल होना नहीं है, हमको जो पैसेज में लिखा है उसको पढ़ के आंसर करना, बस सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, अब्दुल कलाम जी का पैसेज आ गया, बहुत सुंदर पैसेज है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो और सारे आंसर का सही जवाब दो। APJ अब्दुल कलाम इन फुल अवुल पाकिर जैनुलअब्दीन अब्दुल कलाम उनका नाम था। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस लीडिंग, यहाँ पर एक शब्द आया है, 2015 शिलोंग में उनकी मृत्यु हुई 27 जुलाई को, इंडियन साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन हु प्लेड अ लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मिसल एंड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। बहुत बड़ी बात है। तो जो लीडिंग वर्ड आया है वो अनस्टॉपेबल है, डिजाइनिंग है, सुप्रीम है, इनसिग्निफिकेंट है।
आशुतोष ने 3 दिया है, अमित ने 3, विश्व कल्याण दास ने 3, सगारिका ने भी 3 दिया है। बच्चों यहाँ लीडिंग रोल की बात चल रही है, जो सबसे ऊपर है, सबसे जो ऊपर है वो है एपेक्स और वो है सुप्रीम, टॉप पर। इसलिए आप लोगों को सुप्रीम वर्ड के साथ जाना चाहिए। अनस्टॉपेबल थे वो, पर यहाँ पर सेंस नहीं है तो हम इसको नहीं चूज करेंगे। इनसिग्निफिकेंट तो बहुत ही बकवास ऑप्शन है, इसलिए हम यहाँ के हिसाब से सुप्रीम के साथ जाना पसंद करेंगे। सबका आंसर सुप्रीम सही है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने रीज्वाइन डीआरडीओ कब किया, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आसान प्रश्न है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं 1982 में, कि 1981 में। सगारिका ने दिया है 1981 में, सॉरी 1958 में। ओ भाई साहब, ये कह रहे हैं इन्होंने डिग्री हासिल करी आईआईटी की, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, है ना, आईआईटी मद्रास। 1958 में इन्होंने क्या ज्वाइन किया, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मगर बच्चों आपने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने रीज्वाइन भी किया है 1982 में, और प्रश्न में रीज्वाइन पूछा है, ज्वाइन नहीं पूछा है, इसलिए आपको 1982 इसका आंसर लगाना पड़ेगा। क्या कहते हो, है ना? उन्होंने पहली बार 1969 में ज्वाइन किया था डीआरडीओ, मगर उन्होंने SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च के दौरान छोड़ दिया काम, कहीं और चले गए। ये मेरे ख्याल में सैटेलाइट लॉन्च करने इसरो चले गए होंगे, तो इसरो तो बेंगलोर में, तो फिर ये SLV-3 के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च में चले गए। फिर 1982 में DRDO दोबारा ज्वाइन किया, तो आपको बताना चाहिए था सर रीज्वाइन पूछा है उन्होंने, ज्वाइन नहीं पूछा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है कौन सी इंजीनियरिंग करके पास आउट हुए, मैकेनिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, एरोनॉटिकल या एयरक्राफ्ट। इन्होंने क्या पढ़ा था, ये तो आप वैसे भी बता दोगे कि इन्होंने कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी थी। सबको पता है ना कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी थी। अमित कुमार ने लगाया है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी बाबा, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं पढ़ी थी। 3 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी नहीं, एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स पढ़ी थी, तभी तो उन्होंने SLV-3 के लॉन्च में काम किया, तभी तो इतने बड़े साइंटिस्ट बने वो। कह रहे हैं SLV-3 है क्या, ये है क्या SLV-3, अब बताओ। इंडिया का फर्स्ट डिजाइन सैटेलाइट था ये, या इंडिया का डिजाइन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, या साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा, या एक ये मद्रास है बाबा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में एक प्रोजेक्ट का नाम था। साफ साफ पैसेज में दिया है, इसलिए हमें ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने की। सेकेंड ऑप्शन के साथ हम चुपचाप जा सकते हैं, है ना। सेकेंड ऑप्शन इज राइट, एवरीबडी इज राइट, आशुतोष, अमित, सगारिका, अमित, गायत्री, एवरीबडी इज राइट, ग्रेट। अब ये क्या, इससे पहले और कुछ कहें, दूसरा क्वेश्चन आ गया है। बच्चों इसको आपको पढ़ना पड़ेगा फिर से, क्योंकि नया क्वेश्चन आ गया है, इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं सकते इस क्वेश्चन के बारे में।
ओके, अमित ने आंसर लगा भी दिया है, शायद अमित ने आंसर ढूंढ लिया है, दैट इज़ ग्रेट अमित। बाकी बच्चे भी ढूंढ रहे हैं, मैं चाहता हूँ आंसर ढूंढो आप सब लोग। सभी वन के साथ जाना चाहते हैं फाइनली। इसमें कह रहा है व्हाट आर कंट्री अटरली लैक्स इन इज अ नेशनल पॉलिसी ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर बात चल रही है कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो कमी है ना वो है गेम्स और स्पोर्ट्स की। कंट्रीज बजट कम्स एंड गोज, नो वन, नो एमपी, नो मिनिस्टर, नन इवन अमंग द पब्लिक रेजेज एनी वॉइस फॉर सब्सटैंशियल अलॉटमेंट एंड प्रोविजन फॉर द प्रमोशन ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अच्छी बात है, किसी ने अच्छे काम की बात करी है, ऑथर ने अच्छी बात शुरू करी है। कह रहा है वाइल इन मच स्मॉलर कंट्रीज द अपकमिंग प्लेयर्स आर प्रॉपरली लुकड आफ्टर द गवर्नमेंट, दे आर कोच्ड, ट्रेन्ड, ग्रूम्ड एट स्टेट एक्सपेंस। कह रहा है सच अ वास्ट कंट्री विद अ मैसिव पॉपुलेशन इज नॉट एबल टू ग्रूम अप इवन अ प्रॉपर 11 फॉर अ टीम गेम और एन इंडिविजुअल फॉर टू इंडिविजुअल गेम्स। टू वन नोज नॉट हाउ मिल्खा सिंह, पीटी उषा, मल्लेश्वरी कुड सक्सीड इन देयर ओन इवेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी देयर ओन पर्सनल डिवोशन, एफर्ट, डेडिकेशन वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अचीवमेंट। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। सो फाइनल आंसर इज पर्सनल डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड डिवोशन एज जस्टिफाइड एज इन द पैसेज, नॉट एन इशू। अगला प्रश्न है व्हाट आर मिल्खा सिंह, पीटी उषा और मल्लेश्वरी यूज्ड इन द पैसेज। लिखा है फोक डांसर्स, ये ऑप्शन देने वाले ने गलत लिखा है, खराब ऑप्शन, बहुत ही खराब ऑप्शन के साथ प्रश्न देते हुए। आशुतोष ने सबसे तेज आंसर लगा दिया है कि ये सब स्पोर्ट्स पर्सन थे, इसलिए इस तरह का सवाल ना पूछा जाए, गलत बात। आप कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज रिसीव अपकमिंग प्लेयर्स इन स्मॉलर कंट्रीज, ये अच्छा क्वेश्चन है, उनको ट्रीटमेंट क्या मिलता है ये बताओ, वो सब छोड़ो। क्या ट्रीटमेंट मिलता है बताओ जल्दी से। सारे बच्चे सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, क्या बात है, फाइनल है। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है दे रिसीव प्रॉपर कोचिंग, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। ये एक रीजन है कि उनको जो आसानी से वो ग्रो कर जाते हैं, बड़े प्लेयर्स बन जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। इनको स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं वो प्लेयर्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं इसके। कौन से ऐसे सेक्टर हैं बच्चों जो सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हैं? अमित कुमार ने भी बी दिया है, अमित आलम ने भी बी दिया है, गायत्री सगारिका ने भी बी ऑप्शन दिया है, यानी सारे बच्चे बी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन लॉजिकल भी है, हम कह सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन इज लॉजिकल। ओके चलो, कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स कह रहा है, ये तो वही क्वेश्चन है ना,
सेम क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? अच्छा ये तो पैसेज ही दूसरा है बच्चों, ये दूसरा पैसेज आ गया। पैसेज चेंज हो गया, प्लीज ध्यान से पढ़ना। खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा एक अच्छा एक आइडिया लेकर आओगे, और आंसर्स को पता कैसे करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे, बस टिक करते चले जाओगे। खुद से पढ़ने में ये फ़ायदा होता है, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब बच्चे अपने आप से करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ सर ये तो पूरा समझ में आ गया, इसलिए अब ज़्यादा चक्कर है नहीं इसमें, आंसर गलत होने का ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन शायद पिछले पैसेज का था, कम हो गया, बट कोई बात नहीं। पढ़ लिया सबने? सबने पढ़ लिया? चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें क्वेश्चन, पढ़ के बताऊं थोड़ा सा मैं, क्या आ गया आपके, खुद ही आ गया। अच्छा चलो यहाँ पर आंसर्स भी आने शुरू हो गए हैं, इसलिए अब मैं कह सकता हूँ कि आपने इसका मतलब पढ़ लिया है और लॉजिक आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दूँ कि मैनी अफ्रीकन मदर्स कैरी और नेसल देयर बेबीज ऑन देयर बैक, इसका मतलब समझ आ रहा है? मैनी अफ्रीकन मदर्स कैरी और नेसल देयर बेबीज ऑन देयर बैक, दिस कस्टम हैज़ एडवांटेजेस फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। कह रहा अ वर्किंग मदर हु हैज़ नोबडी टू लुक आफ्टर द बेबी नोज ही इज सेफ ऑन हर बैक। मदर को पता होता है कि कोई उसके बच्चे को ख्याल नहीं रखेगा, जो वर्किंग मदर है तो पीछे वो लटका लेती है बच्चे को, वाइल हर हैंड्स आर फ्री। आपने देखा होगा कि ये पहले लेबर क्लास करता था, आपको पता है बच्चों एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताऊँ, पहले देखा जाता था ये लेबर क्लास करता था, जो लेबर वगैरह होती थी औरतें महिलाएँ जो करती थी, बच्चे को टांग कर काम करती थी, सर पर वो अपने मिट्टी लेकर जाती थी, ईंटें लेकर जाती थी। आजकल के हाई क्लास सोशल की महिलाएँ जो हैं, जो नए ज़माने की महिलाएँ, वो अपने बच्चे को आगे उसमें कपड़ा बांध करके टांग के लेके जाती, कपड़ा नहीं मतलब उनका अपना होता है वो टांग कर ले जाती। तो एक देखो आप चेंज आया है, पहले लेबर क्लास की महिलाएं करती थी, अभी बड़े क्लास की महिलाएं करती हैं। तो दिस कस्टम हैज लाइक एडवांटेज फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड, वर्किंग मदर हु हैज नोबडी टू लुक आफ्टर द बेबी इज सो सेफ, व्हाइल हर हैंड्स आर फ्री टू वर्क, मीनवाइल द बेबी स्टेज इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद हिज मदर एंड फील वार्म एंड सेफ। साथ साथ बेबी के बारे में बताया है। बच्चे कह रहे हैं सर फोर्थ ऑप्शन विजिबल नहीं है। अच्छा फोर्थ ऑप्शन लिखा है कंसिडर्ड, कंसिडर्ड डिजायरेबल, फोर्थ ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ कंसिडर्ड डिजायरेबल बाय द राइटर, ये लिखा हुआ है कंसिडर्ड डिजायरेबल बाय द राइटर, ये फोर्थ ऑप्शन, अगर आप फोर्थ के साथ जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। आगे लिखा है कि हाउएवर मैनी विमेन प्रेफर टू कैरी देयर चिल्ड्रेन ऑल डे लॉन्ग, दे फील दैट चिल्ड्रेन आर सेफ, स्लीपर स्लीप लॉन्गर, कीप क्वाइटर, डू नॉट मेक अ मेस, आई वंस विजिटेड अ फ्रेंड्स होम। अब यहाँ पे कौन हो रहा है, सुनो यहाँ से शुरू हो गया, आई वंस विजिटेड अ होम का मतलब है एक ऑथर ने अपनी बात शुरू कर दी, जहाँ पर एक मामा नर्स थी, नेसल कर रही थी फ्रेंड्स 11 ओल्ड मंथ चाइल्ड, वो अपने घर पे अपने बच्चे को खिला कर रही थी, दुलार को प्यार कर रही थी अपने बच्चे को, सीइंग ही वॉज रेस्टलेस बच्चा, आई आस्क्ड द मामा नर्स To put him down. उसने कहा कि बच्चे को नीचे रख दो। At first he didn't want to. शुरू में उसने कहा नहीं नहीं। He thought the child would make the room untidy. वो बच्चा गंदा कर देगा रूम। When she finally agreed, I asked for some kitchen pots, spoons, unopened tins and boxes, since there were no toys to play with. कुछ बच्चों के पास, उसके बच्चे के पास खिलौने नहीं थे, तो उसने कहा कुछ डब्बे ले आओ अपने किचन से, कुछ डब्बे ले आओ, कुछ पॉट ले आओ ऐसा जो टूटे ना, चम्मच, ओपन टिन के बॉक्स जो होते हैं वो ले आओ, ठक 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 करने वाले कुछ ले आओ।
फिर कहती है इमिजिएटली द चाइल्ड स्टार्टेड एग्जामिनिंग देम वन बाय वन, उसने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया बच्चा है, ही स्टार्टेड बैंगिंग द पॉट्स ठम 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 बॉक्सेस विद द स्पून्स, द डिफरेंट साउंड्स फैसिनेटेड हिम, उससे क्या हुआ बच्चे को अट्रैक्शन आनी शुरू हो गई, बट मामा नर्स डिड नॉट एंजॉय द नॉइज और मेस, उसको पसंद नहीं आई ठम 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 फट फट उसको नहीं अच्छा लग रहा तो प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग द चिल्ड्रन ऑन द बैक्स ऑल डे लॉन्ग फॉलोड बाय मेनी एफिकन मूवमेंट इज अप्रूव्ड बाय द राइटर, डिसअप्रूव्ड बाय द राइटर, रिकमेंडेड बाय द राइटर या कंसिडरेबल डिजायरेबल बाय द राइटर, अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है। ज्यादातर बच्चे जो मैं देख सकता था पहले थर्ड के साथ जा रहे थे, मनदीप थर्ड के साथ गए थे आप, सगारिका ने फोर्थ लगाया था कि कंसिडर डिजायरेबल बाय द राइटर। बच्चों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ एक, क्या बच्चे जवाब देंगे कि कौन सी लाइन पढ़कर आपको लगा कि कंसिडर्ड डिजायरेबल बाय द ऑथर, राइटर ने कहाँ पर यह बताया आपको कि बच्चे ये डिजायरेबल है, ये कहाँ लिखा है तो बताओ, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि कहाँ लिखा है कि डिजायरेबल है, अमित ने बोला लास्ट लाइन में लिखा, अमित ये वाली लाइन तो नहीं कह रहे हो, ये वाली द प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग चिल्ड्रन ऑन देयर बैक्स ऑल डे लॉन्ग फॉलोड बाय मेनी अफ्रीकन वुमेन इज, ये तो नहीं बोल रहे हो, अरे ये क्वेश्चन है, ये वाला सेंटेंस क्वेश्चन है बाबा, ये लास्ट लाइन इसकी नहीं है, पैसेज पैसेज मेस पे खत्म हो गया है, ये जो फुल स्टॉप लगाया मेस यहाँ पे खत्म, पैसेज एंड, इसके बाद क्वेश्चन शुरू है। तुम लोगों को मैंने बोला नहीं था जरा ध्यान दो ये लाइन से, ध्यान दो, दिया था ध्यान, वंस आई विजिटेड यहाँ से अपना, सुनो मेरी बात पहले, तुम लोग को आज एक चीज बताता हूँ सुनो, शुरू में पैसेज में क्या बताया ऑथर ने, इन्फॉर्मेशन दी तुमको कि अफ्रीका में ऐसा देखा गया है महिलाएं अपने बच्चे को पीछे टांग लेती हैं, काम करती रहती हैं, पीछे टंगा रहता है बच्चा, उनको लगता है कि बच्चा पीछे सेफ है, हाथ उनके खाली हैं, काम करते रहेंगे, बच्चे को टेंशन भी नहीं है, बच्चा कोई गंदगी नहीं कर रहा, बच्चा सो रहा है, बच्चा शांत है, ये सब लिखा है। फिर ऑथर कहता है मैं एक दिन अपने दोस्त के घर के फ्रेंड गया, उसकी माँ ने नर्स ने मामा नर्स ने बच्चे को ऐसे ऐसे कर रखा था, बच्चा क्या हो रहा था रेस्टलेस, ये किसने देखा, राइटर ने ही तो देखा, तभी तो कहा कि भैया इसको नीचे रख दो, जाकर कुछ खिलौने ले आओ, नहीं खिलौने तो जाओ किचन से सामान ले आओ, ये ढमढम ढमढम करेगा इसको मजा आएगा, चाहता ऑथर क्या था कि टांग के मत रखो उसको, बच्चे को खेलने दो, चाहता ये था। तो इसको बोलो डिसअप्रूव किया है ऑथर ने, ये अप्रूव नहीं किया है, डिसअप्रूव किया है, तुम लोगों ने सोचा नहीं ऐसा, मुझे एक बात बताओ तुम लोग के दिमाग में ये पॉइंट नहीं आया कि ऑथर नहीं कह रहा है कि ऐसा करो, ऑथर कह रहा है वो लोग ऐसा करते हैं, मैं तो गया था कहने कि मत करो ये, बच्चे को छोड़ो, बच्चा है वो, खोल खेलने दो उसको, अब आया समझ में, तो ये डिसअप्रूवल माना जाएगा राइटर का, ये कंफ्यूज कर दिया तुमको पैसेज ने, तुमने पहले सोचा कि तो सारा कहानी इसी बारे में है कि बढ़िया है सेफ है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि ऐसा वो लोग करते हैं, समझ आया अभी, अब सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन दो दो बार कैसे चल रहा है, चलो छोड़ो ये पढ़ो, मेनी मदर्स कैरी चिल्ड्रन ऑन देयर बैक्स बिकॉज, ये पढ़ के बताओ, इसका क्या मतलब है, मनदीप ने सबसे तेज आंसर दिया है इसका, ऑप्शन नंबर थ्री दिया, शायद थ्री दिया ना, गायत्री ने भी थ्री दिया है, आशुतोष ने भी थर्ड ऑप्शन को चूज किया है कि उनको लगता है कि बच्चे सेफ हैं क्वाइट हैं इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके ओके ओके, बिल्कुल सही जवाब है, वैसे लगता तो यही है, ये जो लाइन है ना दे थिंक दैट चिल्ड्रन, ये उनको लगता है, ये ऑथर ने साफ साफ बोला है, थिंक वर्ड से काफी काफी चीजें इजी हो गई। अच्छा बच्चा जो है वो रेस्टलेस क्यों था, बच्चा जो था छोटा बच्चा वो रेस्टलेस क्यों हो रहा था, अब बताओ
लॉजिकल आंसर है ना। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर सही है, क्योंकि वो चाहता था अपने हाथ पैर चलाए, वो फ्रीडम चाहता था, तो बच्चे को इसलिए रेस्टलेस हो रहा था, परेशान हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर एक शब्द यूज़ हुआ है कई बार, नेसल, तो इसका मतलब क्या है? टेकिंग द बेबी विद यू इन अ पैरम्बुलेटर। पैरम्बुलेटर वो जो नहीं होता आजकल जिसमें लोग सब्जियाँ लाते हैं, बच्चे लाते थे पहले, अब सब्जियाँ लाते हैं। पुट अ बेबी डाउन जेंटली ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ बेबी इन कंफर्टेबल पोजिशन, या प्ले विद द बेबी टू क्वाइटन देम। अमित ने सबसे तेज आंसर लगाया ऑप्शन नंबर 3। ओके okay. आशुतोष ने भी थर्ड लगा दिया, सगारिका ने भी थर्ड, गायत्री ने भी थर्ड लगाया। वैसे ये पैरम्बुलेटर की बात कहीं लिखी नहीं है, तो नेसल वर्ड का मतलब यही होता होगा कि बेबी को ऐसे पकड़ो कि वो सॉफ्ट रहे, वार्म रहे और शांति से सोता रहे। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। परफेक्ट, ग्रेट। यहां पर एक शब्द यूज हुआ है बच्चों, फैसिनेटेड, इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फैसिनेटेड? गेस दिस क्वेश्चन राइट। ओके कैप्टिवेटेड सही लग रहा है। डिफरेंट साउंड फैसिनेटेड हिम, डिस्ट्रैक्टेड हिम, कंफ्यूज्ड, डिस्टर्ब। कैप्टिवेटेड सही है, उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, अट्रैक्ट करना ही बेटर ऑप्शन होगा यहाँ के हिसाब से, बाकी क्योंकि और सेंस बन नहीं रहा है ना सेंटेंस में, और कोई सेंस बन नहीं रहा है, इसलिए हम लोग यही कहेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ अलग। अच्छा, पैसेज बदल गया बच्चों। एट वन टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया मोस्ट वीमेन न्यू वेरी वेल हाउ टू ब्रिंग अप देयर इन्फेंट्स। अच्छा, ये भी इन्फेंट्स के ऊपर ही है, फिर से पढ़ो, ये भी इन्फेंट्स के ऊपर ही है क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ना, सेंटेंस अच्छा है इसका। पढ़ लिया, क्या बात है। चलो अब शुरू करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या सेंस निकल रहा है, आप लोगों ने क्या सेंस निकाला, क्योंकि ओवरऑल हमें समझना ज़रूरी होगा एक बार कि बेसिक मतलब क्या है पैसेज का। देखो, सबसे पहले लिखा है कि एक बार क्या हुआ पहले हिस्ट्री में, मोस्ट वीमेन न्यू वेरी वेल हाउ टू ब्रिंग अप देयर इन्फेंट्स, दे लिव्ड अ परफेक्टली हेल्दी लाइफ फ्री फ्रॉम डिजीजेज,
The overall standard of women and children in the country was much better than those of other civilizations of that period. आपको था उस समय के कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया तरीका, सबसे तरीके बद तरीके सब लोग करते थे, तो इसलिए क्या बच्चे हेल्दी होते थे, मदर्स हेल्दी होती थी, सब कुछ अच्छा था और सब सिविलाइजेशन से बेटर होता था. बट एवर सिंस इंडिया वॉज एक्सपोज टू इन्वेजन बाय फॉरन नेशन, जब से ये विदेशी आने लग गए, दूसरे दूसरे देश से लोग आने लग गए, मुगल्स आने लग गए, फलाने अंग्रेज आ गए, सब आ गए ना, लाइफ बिकेम अनसेफ, प्रॉपर्टी वॉज अनप्रोटेक्टेड, पीपल वर फोर्स टू कॉन्ग्रीगेट इन टाउन्स इन सच अ कॉम्पैक्ट वे दैट लेड टू awful insanitation diseases. The traditional knowledge of domestic and personal health and hygiene was ignored. Women were confined indoors for fear of insults or a train of social and unhealthy dangers followed it. Wow. मतलब कैसी कैसी problems बताई जा रही हैं. How we can restore the original conditions of a healthy and happy life in India? This is socio-economic problem which needs to be given priority to bring back the original culture and restore the welfare of women and children in India. चलो. How are foreign invasion responsible for the poor health? सबसे पहले का आंसर क्या लगाया बच्चों? थर्ड लगाया किसी ने? फॉरनर brought unhealthy ways. ये तो नहीं लिखा इसमें. People were forced to congregate in towns in a way compact leading to insanitation. ये maltreated. कौन सा वाला सही है बच्चों इसमें से? थर्ड या सेकंड क्या लगाना चाहते हो? या थर्ड हो सकता है एक बार अगर देखा जाए तो. अगर देखा जाए तो थर्ड हो सकता है किसी हद तक, कि नहीं हो सकता है? बट फाइनली यही इनसैनिटेशन की बात लिखी है ना, लीडिंग टू इनसैनिटेशन वाली. बच्चों सेकंड ऑप्शन फाइनल आंसर है इसका, क्योंकि यहां पर देखो ये लाइन लिखी है ना कि फोर्स टू कॉन्ग्रीगेट इन टाउन्स इन सच अ कॉम्पैक्ट वे दैट लेड टू ऑफुल इनसैनिटेशन एंड डिजीजेज. तो आप बोल सकते हो सर साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर टू के साथ ही जाना चाहिए. ग्रेट. ये रीजन क्लियर है कि सर साफ साफ यहाँ पे मैंशन है कि पीपल वर फोर्स टू कॉन्ग्रीगेट इन टाउन्स इन अ कॉम्पैक्ट वे लीडिंग टू इनसैनिटेशन, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, नो डाउट. अगला क्वेश्चन है कि वाई वर द वुमेन कन्फाइंड इनडोर्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हेल्दी एटमोसफियर to keep them away from diseases due to fear of insults and a train of social unhealthy dangers, or none of these. Due to fear of insults होना चाहिए ना थर्ड ऑप्शन. इंसल्ट्स के डर की वजह से ही तो हट जाते थे वो लोग, मतलब अंडर उनको कवर करके रखते थे या इंडोर्स करके रखते थे कि सोशल अनहेल्दी डेंजर्स हो सकते हैं, इंसल्ट हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना उनको. थर्ड ऑप्शन सही होगा मेरे ख्याल में, सभी ने थर्ड लगाया ना. अच्छा, हाउ डिड लाइफ बिकम अनसेफ एंड प्रॉपर्टी अनप्रोटेक्टेड, इसका आंसर बताओ. मंदीप ने थ्री आंसर लगा दिया, एक्सपोजर टू फ्रीक्वेंट फॉरेन इन्वेजन्स. सगारिका ने भी थ्री लगाया है, अमित कुमार ने भी सी लगाया है. बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों आपने, पता क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है वहां पर, इंडिया वॉज एक्सपोज टू इन्वेजन बाय फॉरेन इन्वेजन, लाइफ बिकेम अनसेफ एंड प्रॉपर्टी वॉज अनप्रोटेक्टेड. थर्ड इज द राइट आंसर, करेक्ट, परफेक्ट आंसर.
वाई वॉट क्वेश्चन हैज द राइटर पोस्ड बिफोर द रीडर्स, इससे क्या पता चल रहा है, कौन सा प्रश्न उठाया है राइटर ने, कौन सा सवाल उठाया है रीडर्स के सामने। फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है ना, हाउ कैन द ओरिजिनल कंडीशंस ऑफ द हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ बी रिस्टोर्ड इन इंडिया। वो यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई वापस से सब कुछ कैसे हो सकता है, भारत में जैसे कुछ था सब कुछ वैसा हो जाए, सब कुछ सही हो जाए और हमें मतलब जो हमारी लाइफ थी वैसी लाइफ मिल जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर इन्होंने सवाल उठाया। एक और क्वेश्चन है, What was the main cause of poor health of women in India? महिलाओं की पूरी अवस्था का क्या मेन कारण था, ये भी बताना है। अच्छा था आज के पैसेजेस ने, काफी इजी, मतलब इजी तो बिल्कुल इजी नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा कि हाँ अच्छे से पढ़ के आप रिलेट कर पा रहे थे और कर पा रहे थे। तो ये सजेशन आशुतोष का था, थैंक्स टू हिम। ऑफुल इनसैनिटेशन की वजह से उनकी हालत ख़राब होती थी, इलिटरेसी थी, या ट्रेड होता था फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, या फिर महिलाओं को दरवाज़ों के भीतर रखा जाता था, क्या रीज़न होगा। करेक्ट, आपको बोलना चाहिए कि सर जो उनकी पुअर कंडीशन हुई एक बार ये पढ़ के देखो, आपने पढ़ा, कह रहा है इंडिया वॉज एक्सपोज्ड टू फॉरेन इन्वेजन, लाइफ बिकेम अनसेफ, प्रॉपर्टी वॉज अनप्रोटेक्टेड, पीपल वर फोर्स टू कॉन्ग्रीगेट इन टाउन, ऑफुल इनसैनिटेशन एंड डिजीजेस, ट्रेडिशनल नॉलेज, डोमेस्टिक पर्सनल हेल्थ हाइजीन वॉज इग्नोर्ड, वीमेन वर कन्फाइंड इंडोर फॉर फियर इंसल्ट एंड अनहेल्दी डेंजर्स फॉलोड। मुझे लग रहा है वीमेन वर कन्फाइंड इंडोर्स, इसकी वजह से उनको जो है पुअर हेल्थ कंडीशंस हुई। देखो सैनिटेशंस तो खराब थे ही, बट वो महिलाओं के लिए स्पेशली पूछ रहे थे, तो स्पेशली महिलाओं के लिए आपको कहना चाहिए था, क्योंकि उन दरवाज़ों में बंद कर दिया गया तो उनको सैनिटेशन का भी प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी खराब हुई। पुअर हेल्थ कंडीशंस जो है उनकी सबसे बड़ी ये थी कि जो उनके ऊपर अटैक हुआ जो विदेशी आए, तो उनको अंदर रखना पड़ा दरवाज़ों के बंद करके, समझे। इसलिए आप इसके 3 को आंसर लेते हुए 1 को आंसर लोगे ज़्यादा बेटर होगा, क्या कहते हो बच्चों। तो मेरे हिसाब से आपको आंसर नंबर 1 के साथ जाना चाहिए था, ये इसका क्वेश्चन सही जवाब होगा। क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा देखो इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ये देखो कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग आज एक बजे क्लास भी करेंगे, प्रॉब्ली 1 बजे करेंगे या 1:30 बजे करेंगे, ठीक है, जितने बजे भी क्लास लगी है, अभी चेक करते हैं टाइमिंग क्या है। तो उसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पैसेज के क्वेश्चन करेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन PQRS के भी करेंगे आज, और अगर पॉसिबल है तो कुछ फिलर्स के क्वेश्चन भी टारगेट करेंगे। तो मिलते हैं तब की क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।